हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए 5,000 से भी ज़्यादा पोस्ट के बारे में, जिसमें यहाँ पर आपकी भर्ती निकली है। तो काफ़ी अच्छा मौका है सरकारी नौकरी पाने का, और यहाँ पर जो है आपकी वैकेंसी आई हुई है और अंतिम मौका है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है वो जाने वाली है। और अभी तक आपने अप्लाई नहीं कर रखा इन पदों के लिए, तो आप ज़रूर अप्लाई कर लें। और इसकी लास्ट डेट एज आपको बता देता हूँ मैं, कहाँ तक आपको अर्न करना है। लगभग 5,000 से ज़्यादा ही पोस्ट हैं इसमें, ऐसा नहीं कि 5,000 ही हैं। तो आपको बताऊँगा कौन सी पोस्ट हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है। लास्ट डेट अगर बात करें यहाँ पर 30 तारीख को है, तो 4 दिन बचे हैं। 4 दिन से पहले पहले आपको यहाँ फॉर्म फिल कर लेना है। और कितनी पोस्ट अगर बात करूँ, ये आपकी निकल के आ रखी है एसएससी में जो है एमटीएस में पोस्ट निकल के आ रखी है। साथ ही साथ इस बार पहली बार जो है हवलदार की पोस्ट निकल के आ रखी है। इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्टों की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हवलदार की टोटल यहाँ पर 3,600 के करीबन है, और एमटीएस में अप्रोक्सीमेट यहाँ पर जो है अभी बाद में अनाउंसमेंट होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट होंगे, 5,000 से ज़्यादा पोस्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार लगभग जो है 10,000 पोस्ट थी। तो अगर आप लोगों ने इन पर आवेदन नहीं कर रखा है, तो टोटल इस बार जो है मेरे ख्याल से 10,000 प्लस ही जाएगा, क्योंकि पिछली बार सिर्फ एमटीएस के ही सिर्फ 10,000 थे। तो इस बार तो यहाँ पर 3,000 एक्स्ट्रा यहाँ पर आए हुए हैं। तो अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि यहाँ पर आपको 10,000 से ज़्यादा मिलेंगे, जो मैं आपको 5,000 बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो आप इन पदों के लिए फॉर्म फिल कर लें, और इसके लिए आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है वो आपको मैं बता देता हूँ। और इसमें देखिए, एज रिलैक्सेशन आप सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा। उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को जो है एज रिलैक्सेशन जिस हिसाब से गवर्नमेंट देती है, क्योंकि सेंट्रल लेवल की जॉब है, तो आपको इसी हिसाब से जो है एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। नहीं तो अगर नॉर्मली अगर बात करें इसकी एज की, तो आपके यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो तरह की पोस्ट है। एक तो हवलदार की पोस्ट है, हवलदार की पोस्ट के लिए आप 18 से लेकर 27 तक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी एज जिनकी छूट मिलती है लगा सकते हैं। और नहीं तो अगर बात करें एमटीएस के बारे में, तो 18 से लेकर 25 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करूँ यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर इसमें पेपर होगा आपका, एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, दूसरा आपका हिंदी इंग्लिश जो भी आपको भाषा में है उसका डिस्क्रिप्शन पेपर का, या आपको ऐसे और यहाँ पर जो निबंध टाइप के होंगे वो लिखना पड़ता है दूसरे पेपर में, बाकी आपके मेरिट बनेगी उसके बाद से। क्वालिफिकेशन में क्या है, 10th पास होगा यहाँ पर कहीं लिखा होगा, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर 10th पास ही यहाँ पर होता है एक्चुअल में एलिजिबिलिटी यहाँ पर, तो एक बार दिख नहीं रहा मुझे। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, रिजर्वेशन आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बाकी 10th पास ही होगा, एमटीएस वाला है तो 10th पास ही रहता है। और बाकी इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने फॉर्म नहीं रखा, तो 30 तारीख इसकी लास्ट है, 30 तारीख से पहले पहले 100 रुपये का चालान लगेगा, सिर्फ 100 रुपये का लग रहा है, ठीक है। और बाकी आप लोग देखते हैं, इसका पैटर्न भी आपका है यहाँ पर 25-25 नंबर का हिंदी, सॉरी हिंदी का इंग्लिश 25 नंबर का आता है, 25 नंबर का आपका यहाँ पर आता है इंग्लिश, 25 रीजनिंग इंटेलिजेंस वाला ये आता है, और 25 आपकी मैथ टाइप की, और 25 आपके जीएस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 100 नंबर का रहता है आपका। तो बाकी जो आप हवलदार की पोस्ट होगी उसके लिए फिजिकल भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हाइट हाइट भी काफ़ी कम है, 157 है। और बाद की एज रिलैक्सेशन आपकी मिलेगी, सब कुछ है इसमें आप लोग देख सकते हैं। और लगभग जो है इस बार बहुत ज़्यादा पोस्ट है, क्योंकि साथ में यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर इस बार हवलदार की पोस्ट भी है, क्योंकि पहली बार हवलदार की पोस्ट भी निकल के आ रखी है। एग्जाम सेंटर भी आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा, सेंटर आप उत्तराखंड में भर सकते हो, और जॉब भी आपको उत्तराखंड में भी मिल सकता है। ये नंबर ऑफ पोस्ट पर डिपेंड होगा, कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी, आपको प्रिफ्रेंस भरना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको जो हिसाब से नंबर आएगा, उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी, कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी मिल सकती है, ठीक है। एग्जामिनेशन आपका उत्तराखंड में ही होगा, और 10th पास होगा इसमें, मुझे दिख नहीं रहा कहीं पर, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसमें। और मेनली 10th पास ही आपका यहाँ पर रहता है, या कहीं ज़्यादा स्कोर हो रहा होगा मुझसे तो दिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी जो है एमटीएस के लिए तो सिंपल सी आपके पास क्वालिफिकेशन जो है 10th पास ही होता है, और इसमें तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें तो मुझे दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, बाकी क्वालिफिकेशन आप चेक लीजिएगा, 10th पास ही रहता है इसमें, हाँ ये है, ठीक है, यहाँ पर आ गया है। इसमें लोग देख सकते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन, ठीक है, मैट्रिक्स लिखा है, वही 10th पास जो मैं कह रहा था आपको, ठीक है, ये वही है 10th पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए।